आपके पिताजी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी उन्हें आईसीयू में रखा है। मैंने सारी दवाइयां और प्रक्रिया लिख दी हैं। नर्स के पास से आप पर्ची ले लेना और पैसे का इंतजाम कर दो। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। लखन भैया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब बाबूजी इधर अस्पताल में हैं और हमें पैसे के लिए बैंक जाना है, क्या तुम इधर बाबूजी के पास बैठोगे? इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा जरूरत नहीं? बाबूजी को हम इधर अकेले रख दें? इस हालात में तुम नहीं बैठ सकते तो हम कोई और बंदोबस्त कर लेते हैं। अरे लखन भैया, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक से पैसे कैसे निकालेंगे? ऑपरेशन और दवाइयों के लिए पैसे कैसे देंगे? ऐसे, इस फोन से। फोन से? लेकिन मेरे पास तुम्हारे जैसा बड़ा फोन तो नहीं है ना, क्या कहते हैं इसको, हाँ, स्मार्टफोन। अभी तुम अपने बटन वाले फोन यानी फीचर फोन से भी बैंक के काम कर सकते हो, जैसे बैलेंस जानना, किसी को पैसे भेजना, पैसे किसी से अपने खाते में लेना या फिर दुकान में पैसे भेजना, ये सब कर सकते हैं अपने फीचर फोन से, 123 पे से। अरे मलखान, तुमने तो ये सही बात बताई। इससे तो बैंक की सारी सुविधाएं आसानी से हो जाएंगी, पर इसे इस्तेमाल करना आसान होगा मुझ जैसे लोगों के लिए? मुझे तो ज्यादा पढ़ना नहीं आता। अगर आपको फोन चलाना आता है तो ये भी आसानी से आ जाएगा। ये आप जैसे लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये कितना आसान है। 123 पे का सबसे बड़ा लाभ ये है, ये सुविधा इंटरनेट संपर्क पर निर्भर नहीं और ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। 123 पे के भुगतान को इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है। दिए गए विकल्पों में से चुनो और भुगतान करो। 123 पे से जुड़ने के लिए तुम्हें अपने बैंक खाते को अपने फीचर फोन से जोड़ना होगा। अपने डेबिट कार्ड के विवरण की मदद से अपना UPI पिन सेट करना होगा। ये करते ही तुम इस सुविधा का लाभ उठा सकते हो। अपने फीचर फोन का उपयोग करके पैसे लेने के लिए आपको IVR नंबर पर कॉल करना होगा। बताए गए विकल्पों में से चुनकर आगे बढ़ना है। अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो सही विकल्प चुनकर, जिसे पैसे भेजने हैं हमें उस व्यक्ति का नाम चुनकर राशि दर्ज करनी है और भुगतान करने के लिए UPI पिन दर्ज करना है। बस इतना आसान है 123 पे। 123 पे तो कमाल की सेवा है। इस सेवा से तो बाबूजी के इलाज के लिए पैसे भरना कितना आसान हो गया, वो भी बिना इंटरनेट के और बिना बैंक गए। ये तो वो बात हुई कि आप जहां बैंक वहां। आपने ऑपरेशन के लिए पैसे जल्दी जमा करवाए, इससे हम आपके पिताजी का ऑपरेशन जल्दी करवा सकेंगे। अच्छा काम किया आपने। मैंने नहीं, 123 पे ने। बैंकिंग को अब सरल बनाओ, बस अपना फोन उठाओ, बैंक के काम चुटकी में निपटाओ, 123 पे को आज ही अपनाओ।